हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे भाई, मस्त रहो, चिल रहो एकदम। तो भाई, आपके भाई के पास एक थी लास्ट एपिसोड की फीमेल, जो मैंने कंसीव नहीं कराई थी इस बार, बट फाइनली वो जब काफ़ी लोडेड हो गई 45 डेज के अराउंड के आसपास, जब मुझे थोड़ा आइडेंटिफाई हुआ कि भाई ये फीमेल कंसीव है, तो अभी मैं आपको उसका स्टेटस भी दिखाता हूँ और उसके साथ क्या एक ट्रेजिडी घटी है ना, और आगे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो भी चीज़ आपको बताऊँगा। चलो आप वीडियो देखिए अपनी फिलहाल छोटी के वीडियो। तो ये है अपनी प्यारी छोटी लासा एप्सो की फीमेल, जो मैंने मीटिंग नहीं कराई थी, बट ये लोडेड है, कंसीव है। और अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि लास्ट में आपका फीमेल कंसीव है या नहीं, तो 30 डेज के बाद आप उसके स्टमक पे हाथ लगा के पता कर सकते हैं आपकी फीमेल कंसीव है या नहीं। तो यही अपनी प्यारी छोटी, काफ़ी अच्छी, और अभी फ़िलहाल इसने पपीज डिलीवरी कर दिए हैं, डिलीवर्ड कर दिए हैं, वो भी मैं आपको पपीज दिखाऊंगा और डिलीवर करने में क्या सिचुएशन हो गई थी इसकी, और आपको अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, हरदम ध्यान रखें। तो जब भी आप अपने चाहते हैं कि आपको आइडेंटिफाई हो, तो जहाँ मैं हाथ लगा के देख रहा हूँ ना, पीछे के जो दो निपल्स हैं, यहाँ पर आप हाथ लगाओगे और यहाँ पर आपको टाइटनेस महसूस हो रही है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपकी फीमेल कंसीव है, हरदम ध्यान रखें। अभी फ़िलहाल ऑलरेडी छोटी ने पपीज डिलीवर कर दिए हैं, आपको इसके पपीज भी दिखाऊँगा। और ये अभी अपनी प्यारी छोटी, आपको लास्ट एप्टो के पपी चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने भाई को, और जिसको काफ़ी बल्की पपी चाहिए लास्ट एप्टो के, तो वो उन लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शंस है। तो ये अपनी लास्ट एप्टो के फीमेल इस तरीके से निपल से या आप अगर फीडिंग निकलते हैं, तो आप आइडिया लगा सकते कि आपकी फीमेल कंसीव है। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अभी आगे आपको नेक्स्ट अपडेट दूंगा, इसके जो पपीज़ हुए हैं क्या सिचुएशन आई थी वो भी बताऊंगा, और आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है वो भी आपको आगे चल के बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। टेक केयर एंड बाय बाय।